आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में सन 1857 से लेकर वर्तमान सन 2021 तक का रेलवे का सफर दिखाया गया है। 9 अगस्त से आरंभ हुई यह रेलवे की प्रदर्शनी 18 अगस्त तक चलेगी, जो सभी लोगों के लिए प्रवेश निशुल्क है। इस प्रदर्शन में सन 1853 के स्वतंत्रता संग्राम और रेलवे के सफर को दर्शाया गया है। आजादी के बाद किस प्रकार रेलवे ने प्रगति की है, कोयले की भाप से चलने वाले इंजन, फिर डीजल इंजन और बाद में वर्तमान में विद्युत इंजन के सफर को और रेलवे के विकास को इस प्रदर्शनी में बखूबी दर्शाया गया है। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर इस उपलक्ष्य में पश्चिम मध्य रेल की ओर से एक छोटा सा सार्थक प्रयास किया गया है। 1853 से लेके आज तक का रेल का सफर और स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण चरणों को इस रेल के सफर से और स्वतंत्रता संग्राम के चरणों को एक समायोजन साथ मिला के एक समायोजन किया गया है। इसके साथ साथ महात्मा गांधी के 50 दुर्लभ चित्रों को भी इसमें दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी लगाने का एक महत्वपूर्ण कारण एक ये है कि हमारी आज की जनरेशन ये देखे, समझे और ज्ञानवर्धन करे कि 1853 से लेके आज तक रेल का क्या सफर रहा है। 1853 में रेलें कैसे चलती थीं, इसके बाद कोयले से चलती थीं, इसके बाद डीजल से चलें, इसके बाद इलेक्ट्रिक से चलें। आज 12,000 हॉर्स पावर का महाशक्तिशाली इंजन भी इलेक्ट्रिक से चल रहा है। इलेक्ट्रिक से चलने के बिजली से चलने से बहुत फायदे हुए हैं, जैसे पर्यावरण को बहुत बड़ा जो कोयले से नुकसान होता था, डीजल से नुकसान होता था, धुएं से उस पर्यावरण और प्रदूषण से मुक्त हुआ है और पर्यावरण स्वच्छ हुआ है। इसके साथ साथ रेल के द्वारा जो विकास किया गया है आज तक 2021 तक, उसका एक चित्रों के माध्यम से हम लोगों ने बताने की पहल की है, अनूठी पहल की है। साथ साथ में रोटोस्कोप भी हम लोगों ने रखे हैं, उसके 4-5 वीडियोज़ हैं। आत्मनिर्भर भारत, हरित क्रांति भारत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इस तरह के रोटोस्कोप के माध्यम से भी हम लोगों ने जानकारी देने का प्रयास किया है। टीवी एलईडी टीवी के माध्यम से भी जानकारी देने का प्रयास किया। ये एक हमारी सार्थक पहल है आज के 3 अगस्त के लिए। पर्चे कब तक चलेगी? ये 9 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये प्रदर्शनी निःशुल्क सभी के लिए रहेगी। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये प्रदर्शनी सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। वॉइस ऑफ राइट्स के जलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।